अक्टूबर के बाद से पाकिस्तान ने एक ही रट लगा रखी है कि गाजा पट्टी में जो युद्ध चल रहा है उस पर विराम लग जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को एक गजब की चोट लगी है, गाजा पट्टी भूल गया है। तो पाकिस्तान पर ऐसा खतरनाक आतंकी हमला हुआ है कि उसके होश उड़ गए हैं। आतंकियों ने पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान जला दिए और पाकिस्तान के एयरफोर्स के जवानों को भी घायल कर दिया है। फिर भी पाकिस्तान की आर्मी अपनी बहादुरी के डींगे हांक रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चल रहा है और ऐसे में तालिबान ने मियांवाली की हवाई पट्टी को गाजा पट्टी बना दिया। दो करोड़ किलो बम गिरा। गाजा में परमाणु हमले जैसी तबाही। गाजा में परमाणु हमले जैसी तबाही मची हुई है और गाजा को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। फिलिस्तीन के लोग इसलिए भी परेशान हैं, लगातार बड़े बड़े दावे करने वाले इस्लामी दुनिया की एकमात्र वाहिद एटमी कुव्वत पाकिस्तान भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो पाकिस्तान जो खुद को फिलिस्तीनियों की रक्षा करने के बड़े बड़े दावे और लंबे लंबे डायलॉग मारता था, वो पाकिस्तान भी गायब है। ऐसे वक्त में जब फिलिस्तीन के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वेस्ट एशिया के 22 अरब देशों को मिलाकर इजराइल का मुकाबला करेंगे, ऐसे वक्त में इस्लामिक मुल्कों में ही एक दूसरा कदर मच गया है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग की नौबत आ चुकी है और उसकी वजह है पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर आतंकवादी हमला, अफगानिस्तान पाकिस्तान का शरणार्थी संकट। पाकिस्तान के लिए शनिवार का दिन बहुत शर्मनाक दिन साबित हुआ, क्योंकि तहरीके जिहाद पाकिस्तान नाम के एक संगठन ने पाकिस्तान के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर सुबह हमला किया। 9 फिदायीन हमलावरों ने एयरबेस पर अटैक किया। इस हमले में पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान जला दिए गए और पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों का कत्ल कर दिया गया। इस पूरे हमले में पाकिस्तान के अंदर बहुत भारी तबाही हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी अपनी हार को छुपाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी ने एक बयान जारी कर कहा है कि 4 नवंबर 2023 को सुबह पाकिस्तान की वायुसेना के मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर आतंकवादी हमला हुआ। हमले के दौरान पहले से ही जमीन पर खड़े 3 विमानों और एक फ्यूल टैंक को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान पर 24 घंटे में यह लगातार दूसरा बड़ा आतंकी हमला है, क्योंकि शुक्रवार को ही बलूचिस्तान में घात लगाकर किए गए हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए गए थे। जब पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए थे तब हमास भी पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रहा था, लेकिन अब फिलिस्तीन की सुरक्षा के दावे करने वाला पाकिस्तान सिर्फ जुबानी जमा खर्च करके ही काम चला रहा है। फिलिस्तीन और इसराइल के नाम पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट सिर्फ जहर ही उगलते रहे हैं। और जरा अपने दुश्मनों से सीखिएगा। 1948 में जब इसराइल की रियासत बनती है और उसके बाद गोल्डा मेयर, एक यहूदी औरत जो उनकी प्राइम मिनिस्टर बहुत मशहूर, उससे एक अखबारी जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया। गोल्डा मेयर वांटेड टू बाय वेपन्स फॉर द स्टेट ऑफ इसराइल, और इसराइल के पास उस वक्त पैसे नहीं थे, अमेरिका ने उनको इतने पैसे देने शुरू नहीं किए थे, और चारों तरफ अरब मुल्क, मुसलमान मुल्क जो थे ऑब्वियसली दे वर हॉस्टाइल कि इसराइल वॉज ट्रांसप्लांटेड विद इन द मुस्लिम हार्टलैंड। तो इसराइल को अपने दफा के लिए वेपन्स चाहिए थे। तो उस जर्नलिस्ट ने गोल्डा मेयर से कहा कि आप अपना सारा बजट असलहे की खरीदारी पर खर्च कर रहे हैं, क्यों? कि कौमें भूखी तो रह सकती हैं, लेकिन अपने दिफा के लिए, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए हथियारों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।
लेकिन आज की हालत यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान इसलिए फंस गया है क्योंकि उसने अफगानिस्तान से आए हुए 20 लाख शरणार्थियों को दोबारा अफगानिस्तान वापस भेजने का फैसला कर लिया है और इसके जवाब में अब तालिबान की सरकार और आतंकी संगठन TTP ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तोरखाम बॉर्डर पर पहले से तनाव के हालात हैं और अब शरणार्थियों वाले मुद्दे ने दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बना दिए हैं। दूसरी तरफ गाजा के अंदर खूनी गदर मचा हुआ है। 7 अक्टूबर से 1 नवंबर तक गाजा पट्टी के अंदर इजराइल 18,000 टन बम गिरा चुका है। 1 टन में 1,000 किलोग्राम होते हैं। इस तरह से अगर 18,000 टन को किलोग्राम में बदलें तो ये संख्या आती है करीब 1,80,00,000। यानी 29 दिनों के युद्ध में इजराइल गाजा पर करीब 2 करोड़ किलोग्राम के बम गिरा चुका है। गाजा पट्टी में चीख पुकार मची हुई है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में ईंधन नहीं है। जो ईंधन है उसको भी इजराइल के मुताबिक हमास छीन रहा है। फिलिस्तीन के अखबारों के मुताबिक लोगों की सर्जरी अस्पतालों के अंदर बिना एनेस्थीसिया के यानी बिना सुन्न किए ही कर दी जा रही है। लोग मलबों के अंदर अपने परिवार को तलाशते फिर रहे हैं। लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। किराने की दुकानों पर कुछ बचा नहीं है। अब तक करीब 200 राहत सामग्री के ट्रक रफा क्रॉसिंग से गाजा में आए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। 20 करोड़ की आबादी का पेट भर पाना इतना आसान नहीं है। राहत सामग्री की कमी होती जा रही है। पूरा गाजा मलबे में तब्दील होता जा रहा है। 1,40,000 इमारतें ध्वस्त कर दी गई हैं। हालात काबू से बाहर निकलते जा रहे हैं और कोई गाजा की मदद के लिए नहीं आ रहा है। गाजा के अलावा वेस्ट बैंक में भी इजराइल ने हमास पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हैं। हालात ये हैं कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक वेस्ट बैंक के अंदर 1200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 700 से ज्यादा लोग हमास से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 7 अक्टूबर से अब तक वेस्ट बैंक में 130 से ज्यादा लोगों को इजराइल की सेना मार चुकी है। लेबनन के अंदर भी दक्षिण के बॉर्डर पर इजराइल का पलटवार जारी है और हमारे रिपोर्टर ने अपने कैमरे पर जंग की लाइव तस्वीरों को कैद किया है। बहुत ज़्यादा स्थिति यहाँ पर ख़राब है और कभी भी कहीं भी अटैक हो जा रहा है। बस यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से किसी तरह से यहाँ से निकल पाएँ, लेकिन ये हमारे रास्ते में ही हमें दिखाई दे रहा है। आप तस्वीर देखिए, ये देखिए तस्वीर, किस तरह से लगातार धुएं का गुब्बार यहाँ पर उठ रहा है। काफर शोबा इलाका है ये, जहाँ अभी अभी निशाना बनाया गया है इसराइल की तरफ से। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप लगातार न्यूज़ 18 इंडिया युद्ध भूमि से दिखा रहा है कि आखिर क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये देखिए, ये इसराइल ने हमला किया है अभी अभी मेरे पीछे। आप देखिए तस्वीर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इजरायली आर्मी की पोस्ट यहाँ पर है और इसके ठीक पास में ही यहाँ पर हमला किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या बनी हुई है। इजरायल ने भारी गदर मचा रखा है जिसकी प्रतिक्रिया दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों में हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी में फिलिस्तीन के समर्थन में खूब रैलियां निकल रही हैं। लोग फिलिस्तीन के झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसका असर लगभग जीरो है। लेबनन की राजधानी बेरूत में भारी हंगामा हो रहा है। हिजबुल्ला के पीले झंडों से सड़कें पटी हुई हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद भी इजराइल और अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तमाम निजाम है गर्बी میخوان که کشور ایران و کشور لبنان رو وارد این جنگ بکنن و یک جنگ تمام عیار را بندازن، ولی به نظر من حزب الله با تیزهوشی داره ضربات خودش رو میزنه و حداقل نیمی از ارتش اسرائیل و امریکا و کسانی که طرفدارش هستن رو در مرزهای شمالی نگه داشته. این جنگ واقعا یه جنگیه که جنگ حق و باطله، یه جنگیه که هر کسی سکوت بکنه بدون شک طرفدار ظالم.
दूसरी तरफ इसराइल को भी इस खूनी युद्ध का कहर झेलना पड़ रहा है। गाजा पट्टी के अंदर उन्हीं इमारतों का मलबा इसराइल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, जिसे इसराइल की एयरफोर्स ने ही तैयार किया है। गाजा के अंदर मौजूद इमारतों के मलबे से इसराइल की सेना को आगे बढ़ने में मुश्किलें सामने आ रही हैं। इसराइल की सेना बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के रास्ते गाजा के अंदर आगे बढ़ रही है। एयर कवर के लिए इसराइल एयरफोर्स के ड्रोन और लड़ाकू विमान भी गाजा के आसमान में मंडरा रहे हैं। लेकिन गाजा के अंदर करीब 1,40,000 ध्वस्त इमारतों का मलबा बिखरा हुआ है, और ऐसे में गाजा के अंदर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को रास्तों पर मलबे की रुकावट झेलनी पड़ रही है। इस मलबे को हटाए बिना इसराइल की आर्मी आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन इसी मलबे को साफ करने के चक्कर में इसराइल की आर्मी फंस रही है और उसको हमास के हमले झेलने पड़ रहे हैं। इसराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर के मुताबिक जब से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है 1 नवंबर तक इसराइल के 25 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने इस पर बयान दिया है कि गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई में इसराइल डिफेंस फोर्स के सैनिकों की मौत एक कठिन और दर्दनाक झटका है। हमारे दिल और विचार उनके प्रिय परिवारों के साथ है। इसराइल के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता वैसे भी इसराइल के अंदर लगातार घटती जा रही है, और ऐसे में इसराइल के सैनिकों की लगातार हो रही मौतें एक ऐसे बोझ की तरह हैं जो दिन प्रतिदिन नेतन्याहू के राजनीतिक करियर का दम निकालती जाएंगी। बेनामिन नेतन्याहू ने भी इसराइल के सैनिकों की शहादत पर बयान दिया है। אנחנו יודעים, כל חייל שלנו הוא עולם ומלואו. ואני אומר למשפחות היקרות, עם ישראל כולו איתכם בשעת יגונכם הכבד, הקשה מנשוא. אנחנו מחבקים אתכם מעומק ליבנו. חיילינו נפלו במלחמה שאין צודקת ממנה, המלחמה על הבית. ואני מבטיח לכם ולכל אזרחי ישראל, אנחנו נמשיך עד שנמלא את המשימה. אנחנו נמשיך עד לניצחון. कुल मिलाकर ये जंग गाजा और इसराइल दोनों पर भारी पड़ रही है।